वो बैठे हुए थे, तब 28 प्रकार के नरकों में से आवाज आ रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। जोर जोर से सब नर्क के वासी चिल्लाने लगे, हे कृष्ण बचाओ, क्योंकि सब नर्क के वासियों को पता चल गया कि भगवान नर्क में आए हैं, ये हमारा चांस है भगवान को पुकारने के लिए। तो सब नर्क के लोगों ने बोला, बचाओ, हे प्रभु आप नर्क में आए हैं, हमारा उद्धार कीजिए। तो भगवान ने अपने संतानों की पुकार को सुन के भगवान की आंख में आंसू आ गए, भगवान नर्क में रोने लगे। और जैसे ही भगवान रो रहे थे, भगवान ने इच्छा किया कि सब नर्क के सब जीवों का उद्धार हो जाए। और जैसे ही भगवान ने इच्छा किया, भगवान के शरीर में से एक सुंदर देवी निकल गई। वो देवी सोने की जैसी देवी थी, उसके 8 हाथ थे। वो देवी का क्या नाम था? एकादशी। बोलो एकादशी देवी की। तो एकादशी देवी भगवान के शरीर से प्रकट हो गई और भगवान को प्रणाम किया। एकादशी ने बोला, हे प्रभु आपने मुझे सृजन किसके लिए किया है? इसलिए महीने में 2 दिन, एकादशी के जो 2 दिन आते हैं, इसको हरि वासर कहते हैं। एक्चुअली एकादशी की दिन से भी ज्यादा एकादशी की रात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एकादशी की रात को सोता नहीं है उसको भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन मुंबई में संभव नहीं है। रात को जगेंगे तो दूसरे दिन हमको काम पे जाना पड़ता है। लेकिन एकादशी का असली व्रत होता है रात को जागरण और हरि नाम संकीर्तन। तो एकादशी ने बोला, हे प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे करूं? तो प्रभु ने कहा, एकादशी मैं नर्क में घोषणा करता हूं कि महीने में 2 दिन जो तुम्हारे दिन में उपवास करेगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा मृत्यु के बाद में। खाली 2 दिन एक बार भी एकादशी करेगा तो घर के सब लोग गरम गरम तेल में उबल रहे थे, लेकिन ध्यान से सुन रहे थे भगवान की वाणी को, ध्यान से सुन रहे थे। तो भगवान ने कहा कि सब लोग उपवास कीजिए। तो दूसरी एकादशी आई तो नर्क में सब लोगों ने उपवास किया। ऐसे भी नर्क में खाने को जो मिलता है वो तो बहुत ही अच्छा नहीं होता है। तो सब लोगों ने उपवास किया और द्वादशी के दिन पूरा नर्क खाली हो गया। हाय 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 हाय, पूरा नर्क खाली हो गया, सब लोग वैकुंठ चले गए, डायरेक्ट नर्क से वैकुंठ चले गए, खाली एकादशी का एक बार उपवास करने से। बोलो एकादशी तिथि की। तो एकादशी ने बोला, भगवान को कैसे करना चाहिए एकादशी का उपवास? तो भगवान ने कहा कि जो एकादशी में दोपहर को खाएगा मैं खाने के बाद आपको बता रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन एकादशी में दोपहर के टाइम जो खाएगा उसको 25% फल मिलेगा एकादशी का। हाँ, जो एकादशी में शाम को खाते हैं सूर्यास्त के बाद उसको 50% फल मिलेगा, और जो दूसरे दिन सुबह खाएंगे द्वादशी के दिन में पारण करेंगे उसको 100% फल मिलेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, एकादशी में फल अनंत है तो उसका 25% भी अनंत है। हाँ, एकादशी में एक्चुअली उसकी कथा मैं और आगे बता रहा हूँ। एकादशी में अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? तो जब पूरा नर्क खाली हो गया, जब पूरा नर्क खाली हो गया तो
यम राजा बोले अभी मैं क्या करूंगा, हे प्रभु आपने मुझे सेवा दिया है नर्क में सब लोगों को रेक्टिफाई करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, सब कुछ सुधारने के लिए, अभी क्या करूंगा मैं, मेरा काम। और यम राजा का मेन दूत, उसका क्या नाम है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त लिखाई करता है लेकिन जो लोगों को मारता है, दंड देता है, उसका क्या नाम है, यमदूत तो पकड़ नहीं जाते हैं, उसका नाम है पाप पुरुष। पाप पुरुष, उसके तीन सर हैं और छह पैर हैं, इतना भयंकर है पाप पुरुष, आपके सामने आएगा तो आप होश हो जाएंगे। उसका सर है वो पाप से बना है, गाय को मारने की पाप से, उसका पेट है और मां को मारने की पाप से, उसका पूरा शरीर पाप से भरा हुआ है। मैं पाप पुरुष होने लगा, पहली बार उसके जीवन में वो रोने लगा, रोते हुए वो भगवान कृष्ण के पास आया, बोलता हे प्रभु आपने ऐसा उपाय बताया कलयुग में कि पूरा नरक ही खाली हो गया, तो एकादशी सब लोग करेंगे, कोई आएगा ही नरक में नहीं आएगा, तो मेरा बकरा कौन बनेगा, हाय 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 हाय, मेरा बकरा कौन बनेगा नरक में, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे भी काम चाहिए, मुझे आपने सृजन किया है दंड देने के लिए, तो मैं कौन सा काम करूंगा, मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, मुझे कुछ काम दीजिए प्रभु, मैं आपका भी प्रजा हूँ। तो भगवान पाप पुरुष के देख के हंसने लगे, भगवान बोलते हे पाप पुरुष ठीक है, तुमने मुझसे प्रार्थना किया है, मैं तुम्हारी भी इच्छा पूरी करूंगा, इसीलिए मैं ये मैं एक और वचन मतलब आशीर्वाद देता हूँ, शरत देता हूँ एकादशी की, कि जब भी महीने में दो बार कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में एकादशी आएगी, तब पाप पुरुष तुम जाके अन्न के दाने में घुस जाना, अन्न के दाने में तुम घुस जाना, और जो भी अन्न खाएगा एकादशी में वो तुम्हारा बकरा बनेगा, जन्म जन्मांतर तक नरक में तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा। तो भगवान ने जब ऐसे कहा तो पाप पुरुष हंसने लगा, क्योंकि उसके तीन सर हैं इसलिए आवाज बहुत आ रहा है, हंसने लगा पाप पुरुष। तो भगवान बोले अरे क्यों हंस रहे हो, तुम मेरे सामने बैठ के हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो। तो पाप पुरुष ने कहा प्रभु कलयुग में कोई एकादशी नहीं करेगा, और 99.99% इस पृथ्वी के लोग हैं सब अन्न खाएंगे एकादशी में और मेरे बकरे बनेंगे, सब लोग मेरे बकरे बन जाएंगे, क्योंकि कलयुग में कलयुग में माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया है जीवों के ऊपर कि लोग सोमवार मंगलवार शनिवार गुरुवार शुक्रवार सब प्रकार के उपवास करते हैं, लेकिन एकादशी नहीं करते, एकादशी नहीं करते, बोलते आज मेरा सोमवार है, आज मेरा शनिवार है, आज मेरा गुरुवार, बोले एकादशी करो नहीं, नहीं। और जो लोग एकादशी करते हैं वो भी एकादशी के दिन चपाती खा लेते हैं, दक्षिण भारत में उत्तर भारत में कई लोग एकादशी करते हैं वो भी अन्न खा लेते हैं चावल। इसलिए मेरे शिष्यों को मेरे भक्तों को मैं तो ये बताता हूँ कि चार नियम जो है ना भक्ति के उससे भी इम्पोर्टेंट है एकादशी, पांचवा नियम भक्ति का, क्योंकि एकादशी के दिन जब अन्न खाया तो सारे ब्रह्मांड के मांस खाने का फल मिलता है, सारे ब्रह्मांड का पाप अन्न में आ जाता है, मतलब एक बार गाय का मांस खाएंगे उसमें तो आपको एक गाय का पाप लगेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न खाएंगे तो पाप पुरुष अन्न में आ जाता है, पूरे ब्रह्मांड खाने का पाप लगता है, ब्रह्मांड का पाप हमें लगता है, इसलिए वेद व्यास जी पद्म पुराण में हाथ ऊपर करके बोलते हैं बार 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 एकादशी के दिन अन्न मत खाओ मत खाओ मत खाओ, अगर तुम्हारी भलाई चाहते हो इस संसार में तो एकादशी के दिन अन्न मत खाओ,
क्योंकि जैसे एकादशी मुक्ति का मार्ग है वैसे एकादशी नरक जाने का भी रास्ता है। जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो नरक में जाएगा। और बाकी भक्तों को नियम कई कई फॉलो करने चाहिए एकादशी में कि समुद्र का नमक नहीं खाना चाहिए। समुद्र का नमक में वो मछलियों से आता है। हाँ, वो सिंधव नमक खाना चाहिए। और हल्दी, अगर हल्दी में आटा मिल गया है तो हल्दी भी नहीं डालना चाहिए भोजन में। और हींग नहीं डालना चाहिए एकादशी में, हींग अन्न है। राई भी नहीं डालना चाहिए, तो राई खाएगा उसका भी एकादशी टूट जाएगा। राई के दाने में भी पाप पुरुष। जीरा डाल सकते हैं आप, और घी और तेल भी है, वो सूर्यमुखी का तेल मत इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आपका एकादशी टूट जाएगा। हाँ, घी इस्तेमाल कीजिए, या सिंगदाने का तेल है उसको इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा हो गए। और वो पत्थर का नमक आता है सिंदर, हाँ उसको यूज कीजिए। और जितना हो सके एकादशी के दिन गाजर मत खाइए। गाजर, हाँ गाजर हो सके तो, क्योंकि जो कांदा और लहसुन कहाँ से आए आपको पता है ना। कांदा लहसुन हम क्यों नहीं खाते, कांदा लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? फैशन, लेकिन वो तो सेकंड रीजन है, लेकिन मेन रीजन ऋग्वेद में कथा आती है, लंबी कथा है। अभी टाइम है हमारे, तो एक ऋषि मुनि थे, वो गोमेद यज्ञ कर रहे थे। वो बूढ़ी गाय को बलिदान करके यज्ञ में नई गाय को पैदा करते थे मंत्र के द्वारा। तो एक वृद्ध गाय को उनके सामने लाया गया और उसको मरा दिया, उसका चमड़ी निकाल दिया गया। और वो गाय को यज्ञ में बलि चढ़ाते थे और मंत्र का उच्चारण करके नई गाय बछड़ा पैदा होता था। तो ये ऋषि ने शुरू कर दिया मंत्र उच्चारण करना, आंख बंद कर दिया। वो गाय बैठी थी, तो उतने में ऋषि की जो गाय का पूरा शरीर है ना, वो मंत्र से जीवित होने लगा। इतनी देर में ऋषि आंख बंद करके जब मंत्र पढ़ रहे थे, तब उनकी पत्नी को पता नहीं कैसी गाय को थोड़ा सा जीवित देख के उनकी पत्नी को इच्छा हो गई गाय का मांस खाने की। सतयुग की बात है, सतयुग में कोई मांस नहीं खाता है, लेकिन उसकी उनकी पत्नी को इच्छा हो गई गाय का मांस खाने के लिए। तो पत्नी दौड़ के आई और गाय का एक पैर होता है वो, उसका साइड का मांस काट लिया उसने चाकू से, और काट के अंदर लेके गई रसोई घर में। और उसको पता नहीं कि भगवान की इच्छा होगी कि उसको खाने की इच्छा हो गई, और वो काट के उसको खाने वाली थी। उत्तम ऋषि मुनि का हाथ खुला और ऋषि मुनि ने यज्ञ में आहुति दिया तो एक बछड़ा पैदा हुआ, लेकिन वो बछड़े का पैर नहीं था। जहां से उन्होंने मांस का टुकड़ा काट लिया था वो पैर ही नहीं था बछड़े का। तो ऋषि मुनि सोच रहे मेरे मंत्र कभी गलत नहीं हो सकते, मेरा यज्ञ हमेशा परफेक्ट होता है, सुंदर बछड़ा पैदा होता है, ऐसे कैसे हुआ। तो ऋषि मुनि ने वापस आंख बंद कर दिया और आंख बंद करके वो ध्यान में गए। उन्होंने सब फ्लैशबैक देखा, फ्लैशबैक क्या क्या हो रहा है। तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी आ रही है बाहर और मांस को उठा के अंदर ले जा रही है। ऋषि मुनि ने सब देख लिया, फिर आंख खोला और जोर से चिल्लाया कहो तुम कहो, गुस्सा हो गया बहुत। उसको शाप देने वाले थे अपनी पत्नी को। तो उनकी पत्नी ने खिड़की के बाहर जाके तो जल्दी जल्दी में डर गई कि अभी मुझे शाप मिल जाएगा। उन्होंने खिड़की के बाहर वो मांस, जो जीवित मांस था उसमें जीवन था, क्योंकि वो मंत्र का उच्चारण करके वो मांस में जीवन आ गया था। तो मांस था और उसमें थोड़ी हड्डी थी, पैर की हड्डी, उसको बाहर फेंक दिया खिड़की के बाहर। और जैसे ही खिड़की के बाहर फेंक दिया वो जमीन में गिर गया, एक खेत में, खेत था उनके खेत घर के बाजू में,
और दूध में से थोड़े ही दिनों में पैदा हुआ, गाय की खून से मांस से पैदा हुआ कांदा। क्या पैदा हुआ? कांदा। इसीलिए कांदा होता है। कितना कैसा होता है? लाल रंग का, लाल रंग का कांदा आता है, देखा आपने? और कांदा के अंदर ऐसी ऐसी लाइन रहती है, गोल 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 गोल, वो गाय की नसें हैं। ये गाय मांस का बात किया तो मछली का बात किया मैंने। मांस जो मछली को खाता है वो संसार में सब प्रकार का मांस खाता है, क्योंकि मछली है वो पानी में रह के गाय का मांस, मनुष्य का मांस, सब मांस खाती है। इसलिए जो मछली को खाता है, इसलिए जब सुनामी आया ना, सुनामी तो कौन मर गए? मच्छी मार लोग मर गए पहले, क्योंकि वो बहुत पाप करते हैं मछली को खाते। तो इसलिए कांदा पैदा हुआ। मांस के अंदर गाय की हड्डी थी, वो हड्डी में से, गाय की हड्डी में से लहसुन पैदा हुआ, क्योंकि गाय की हड्डी में भी एक्चुअली एकादशी के दिन मछली का भास लेते हैं तो भी एकादशी टूट जाती है। कोई बात नहीं, द्वारका में है इसलिए भगवान क्षमा कर दे। तो हड्डी से लहसुन बन गया और थोड़े थोड़े छींटे, थोड़े थोड़े छींटे इधर उधर गिरे और रक्त के उससे गाजर बन गया। गाजर के बाहर भी लाल होता है, अंदर सफेद होता है, देखा? तो ट्रेडिशनली जगन्नाथ स्वामी को पूरी में गाजर नहीं चढ़ता है, लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो प्रभुपाद जी ने बहुत नियम दिए, कांदा नहीं खाओ, लहसुन नहीं खाओ, चार नियम का फॉलो करो, चाय कॉफी भी छोड़ दो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है गाजर खा सकते, लेकिन एकादशी के दिन तो एटलीस्ट गाजर मत खाइए। गौड़िया मठ में भक्त सिद्धांत सरस्वती के वो गाजर नहीं खाते कभी भी, पूरे साल भर गाजर नहीं बनाते भगवान, इसलिए कभी कभी गाजर खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, उस दिन एटलीस्ट। और वो आता है दूसरा, क्या आता है? मसूर। मसूर की दाल भी हमें नहीं खाते वैष्णवों को, और अब तो बाहु नाम के राक्षस के खून से पैदा हुआ। बीट खा सकते हैं, बीट, मूला, कंद मूल सब खाते। जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ के मंदिर में गाजर टमाटर भी नहीं चढ़ता है, क्योंकि टमाटर है वो विलायती बैंगन है, टमाटर अंग्रेजों ने भारत में लाया हुआ है, लेकिन आप टमाटर खा सकते हैं क्योंकि आप पुरी में नहीं है, आप टमाटर भगवान को बना के खा सकते हैं, वो तो शाकाहारी भोजन है, टमाटर गाजर ककड़ी वो सब खा सकते। कांदा और लहसुन पैदा हुए हैं, जो एक्चुअली कांदा और लहसुन खाता है वो शाकाहारी नहीं है। चाय कॉफी क्यों नहीं पीना है? एक बंदर था, बंदर, बंदर का एग्जांपल देता हूं आपको। एक बंदर, वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था, इसलिए पहले से बंदर अपना हाथ पैर बहुत हिलाता था। तो किसी ने क्या किया, बंदर को थोड़ा सा मदिरा पिला दिया, तो बंदर और भी पागल हो, और फिर उसको मदिरा पिला दिया, एकदम पागल हो गया, फिर वो बंदर को जेल में
बंद कर दिया और भी फिक्र एकदम पागल हो। उसी प्रकार हम ऑलरेडी नशे में है, हमको कौन सा नशा है? द्वारका का ये तो अच्छा नशा है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप मुंबई में जाएंगे तब आप कौन से गांव में हम रोग उसको कहते हैं आम ममेती, मैं और मेरा इसका नशा है। हमें हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, हम भूल गए कि हम आत्मा हैं। तो आप कभी पागल खाने में गए? जाना भी मत। पागल खाने में कोई बोलता है मैं हिटलर हूं, मैं नेपोलियन हूं, मैं अशोक मैं पक्षी हूं, छलांग मारता है। जो नहीं है वो सोचता मैं हूं। उसी प्रकार हमारी भी हालत है, हम सोचते हैं मैं शरीर हूं लेकिन हम एक्चुअली आत्मा है। ऑलरेडी हम नशे में हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा एक नशा के ऊपर डबल नशा करेंगे तो क्या होगा? बेहोश हो जाएंगे। इसलिए हम चाय और कॉफी नहीं पीते। ये चाय और कॉफी में निकोट कैफीन, कैफीन और निकोटीन नाम के दो पदार्थ आते हैं, नशा पैदा करते हैं। जब चाय हम छोड़ देंगे तो हमारा सर दुखने लगता है, देखा है आपने? सर दुखने लगता है, प्रकार का नशा हो जाता है। इसीलिए हम चाय नहीं पीते कि ऑलरेडी हम नशे में हैं, डबल नशा क्यों करेंगे? और भी हम भगवान से दूर चले ही जाएंगे। लेकिन कैफीन बगैर की हर बल्टी आती है वो पी सकते हैं। हर बल्टी है और क्या है, लेमन टी, ग्रीन टी, ऑलिव टी, सिनेमन टी, जो भी है उसमें पहले देख लीजिए कैसे निकोटिन नहीं होना। गुरुकुल का हरिद्वार का प्रज्ञा आता है, प्रज्ञा मसाला पाउडर दिव्य पे ये सब आप पी सकते हैं। इसमें तो तबीयत भी अच्छी होती है, तो भगवान को भी ऑफर कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं। और कॉफी जो जो पीता है उसका तो हार्ट अटैक ही हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसीलिए अपने तबीयत को अच्छा रखने के लिए भी हम चाय कॉफी नहीं पीते। और कोई प्रश्न है किसी का? मसूर की दाल क्यों नहीं खाते? उसकी एक लंबी कथा है। एक रक्तबाहु नाम का राक्षस था, उसका गला आधा काट दिया आकाश में तो उसके खून की बूंद नीचे गिर के मसूर की दाल बन गई। मसूर की दाल भी रजोगुणी है, रजोगुण द्वारका आ गया है। मशरूम हम नहीं खाते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते क्योंकि गंदी जगह में पैदा होते, जमीन में पैदा होते हैं, गंदी जगह में जहाँ सब कीचड़ रहता है, गंदी जगह में, इसलिए हम भगवान को अर्पण नहीं करते। और भगवान नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाते। तो लेकिन बाकी सब कुछ खा सकते हैं। आप बोलते हैं स्वामी जी इतने सब नियम बता रहे हैं लेकिन आप सब बाकी सब कुछ खा सकते हैं। बोलो भेट द्वारका धाम की एकादशी की जय। गौर प्रेमानंदी।